रूस और यूक्रेन युद्ध के 31 दिन बाद अब परमाणु हमले की बात सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड दौरे के बाद पुतिन ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी है। इस कदम से पुतिन ने बाइडेन को यह मैसेज दिया है कि अगर नेटो सेनाएं आई तो परमाणु युद्ध होने से कोई नहीं रुक सकता। रूस यूक्रेन युद्ध में आखिरकार पुतिन ने परमाणु हथियारों की एक झलक दिखा दी। जिस तरह से जो बाइडेन पोलैंड में नाटो की सेना के साथ सेल्फी ले रहे थे, लंच कर रहे थे और रूस को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, तब पुतिन ने बाइडेन को जवाब देने के लिए रूस की परमाणु सबमरीन को समंदर में उतार दिया, वो भी इस संदेश के साथ कि अगर युद्ध में नाटो आया तो परमाणु हमले से कोई रोक नहीं पाएगा। पुतिन के आदेश पर रूस की परमाणु सबमरीन उत्तरी अटलांटिक सागर में चक्कर काट रही है। उससे यह तय हो गया है कि जो बाइडेन का एक फैसला पुतिन को परमाणु हमले का मौका दे देगा। रूस की जो सबमरीन उत्तरी अटलांटिक सी में चक्कर काट कर आई है, अगर उसमें बुलावा जैसी मिसाइल हुई तो उसकी रेंज में नेटो देश, अमेरिका, कनाडा के अलावा यूरोपीय देश ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी सभी आते हैं। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर पहली मिसाइल दागी, तब इस बात का अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा, लेकिन अब 31 दिन बाद परमाणु युद्ध की आहट की सुनाई दे रही, और इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोलैंड यात्रा। जो बाइडेन दुनिया भर के सभी ताकतवर देशों के साथ यूक्रेन के पड़ोस में 3-3 बैठकें कर चुके हैं, और रूस के धुर विरोधी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद यूक्रेन सीमा के दूसरी तरफ पोलैंड में मौजूद है, और नेटो देश रूस को बार बार परमाणु हथियारों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं।